हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है ऐप आइकन साइज सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं। ये जो आपके मोबाइल फ़ोन की जो ऐप आइकन होते हैं ना, इनका साइज आप छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे की साइड आना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉल पेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा होम सेटिंग, होम सेटिंग पे सिलेक्ट करना है। अब होम सेटिंग के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा राउंडेड कॉर्नर, राउंडेड कॉर्नर पे सिलेक्ट करना है। तो इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा आइकन साइज का। आइकन साइज के नीचे आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो स्मॉल का, एक ये लार्ज का। ये ऊपर की साइड आपको जो ऐप आइकन दे रखे ना, ये आपको सैंपल में दे रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे देख के पता चल सके कि आपकी जो ऐप आइकन है वो चेंज हो रहे हैं, मतलब छोटे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको ये नीचे की साइड ये पॉइंटर दे रखा है, मेरा ये पॉइंटर जो है लार्ज के ऑप्शन पे टिक मार्क लगा हुआ है पहले से, तो ये पहले से लार्ज साइज में, बड़े साइज में, ठीक है। तो अगर मैं इसे जो है ना स्मॉल साइज पे इसे सिलेक्ट करूंगा, स्मॉल पे सिलेक्ट करूंगा, तो आप इन ऐप आइकन को ध्यान से देखिए, इनका साइज ना छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। ये देखिए इनका साइज छोटा हो गया, पॉइंटर मैंने स्मॉल पे सिलेक्ट कर लिया है। तो इसी तरीके से आप इसे ना लार्ज या पॉइंटर पे आप इसे सिलेक्ट करके आप अपने मोबाइल फोन के ऐप आइकन की साइज को आप ना छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं आपको इस सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है सर्च आइकन का। यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है राउंडेड कॉर्नर, आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा राउंडेड कॉर्नर का। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पे सर्च बार में स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और आपको राउंडेड कॉर्नर पर सिलेक्ट करेंगे तो इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में, ठीक है।